तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वीवो वी 27 प्रो में और वीवो वी 27 में मोबाइल को रीसेट कैसे करें। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप भी वीवो वी 27 और वीवो वी 27 प्रो यूज कर रहे हैं और चला रहे हैं, अगर आप भी रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए आपको पूरा हम स्टेप बाई स्टेप बताएंगे, ताकि आप अपना मोबाइल को रीसेट करना चाहते हैं, अपने हैंडसेट को रीसेट करना चाहते हैं तो आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट कैसे किया जाता है, चलिए हम बताएंगे। इस वीडियो में पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, ताकि आपको रीसेट करने में कोई असुविधा ना हो। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि हमें रीसेट करने में हमें यहाँ ये ऑप्शन नहीं मिल रही है, तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे आपको रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले नंबर तो आपको अपने सेटिंग में चले आना है, अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पेज खुलकर आ जाती है, कुछ इस तरह से आपको दिख जाती है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। तो चलिए हम नीचे की ओर आ जाते हैं। तो आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है, ताकि आपको नीचे की ओर चले आना है। चलिए हम और नीचे आ जाते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं तो बहुत सारे यहाँ ऑप्शन अलग अलग मिल जाते हैं, तो आपको और आ जाना है। उसके बाद यहाँ आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलती है, तो आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारे अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं गूगल प्रोटेक्ट, फाइंडिंग बाय डिवाइस, सिक्योरिटी, ये सारे चीज़ मिल जाते हैं। तो आपको इधर आ जाना है, तो ये आपको थोड़ा सा और बैक आ जाना है, इसमें आपको नहीं दिया हुआ है वो ऑप्शन, आपको नीचे आ जाना है। अब आप नीचे आते हैं तो सिस्टम का एक ऑप्शन मिलती है, तो सिस्टम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से मिल जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं रीसेट का ऑप्शन मिलती है, रीसेट ऑप्टिस ओपनिंग रीसेट ऑप्शन मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको चार तरह का ऑप्शन मिल जाती है। पहले नंबर था रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ, ये अगर करते हैं तो रीसेट के मतलब आपको ये वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ के मतलब आपका जो भी डिवाइस वाईफाई से जो कि कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ जो भी होगा, तो वो सिर्फ केवल डिलीट होगा, ठीक है। दूसरा बात, आपको दूसरा ऑप्शन में मिल जाती है रीसेट ऐप परफॉर्मेंस। ये दूसरा रीसेट ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो अन्य मतलब जो बिना काम के वो आपका डिलीट नहीं हो रहा है, या कोई आप डाउनलोड किए हैं ऐप को तो आपके अब फाइल में सेव है, तो आप वहाँ से सारे चीज़ को ये डिलीट कर देगा, केवल एप्लीकेशन को, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा ऑप्शन पर आते हैं रीसेट ऑल सेटिंग। रीसेट ऑल सेटिंग जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका ऑल सेटिंग मतलब आपका कुछ चीज़ें डिलीट होगी, बट सारा परमानेंट के लिए डिलीट नहीं होगी। अगर आप सफा के लिए डिलीट करना चाहते हैं एक न्यू फ़ोन की जैसा, तो आपको देखिए इरेजर ऑल डाटा ऐप फॉर गेट रीसेट, इस पर क्लिक करके इरेजर ऑल डाटा पर क्लिक करते हैं तो अब ये डायरेक्टली सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं, ये विल द इरेजर ऑल डाटा फ्रॉम योर फोन इंस्टेंट स्टोरेज इंक्लूड योर गूगल अकाउंट सिस्टम एंड ऐप डाटा एंड सेटिंग डाउनलोड ऐप म्यूजिक फोटो अदर यूजर डाटा, यानी आपका फ़ोटो म्यूजिक या फ़ोन आपका अकाउंट गूगल अकाउंट सारा चीज़ ये डिलीट कर देगा, यानी रीसेट कर देगा आपका मोबाइल।